फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ फंक्शन की कीबोर्ड की F1 से F12। फ्रेंड्स, पहला F1 है हेल्प, दूसरा फ्रेंड्स F2 है रीनेम, फ्रेंड्स जिसे हम रीनेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा है सर्चिंग, जिसे हम किसी चीज़ का सर्च कर सकते हैं। फर्ज़ किसी भी ऐप में आप हो तो आप स्पेलिंग या किसी मिस्टेक के बारे में सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, F4 जो है, ये की जो है कीबोर्ड की, ये शट डाउन के लिए यूज़ होती है या फिर क्लोज़ करने के लिए फाइल को। फ्रेंड्स, F5 जो है वो रिफ़्रेश के लिए यूज़ होती है। ऐसे ही आगे की जो F6 है, फ्रेंड्स F6 जो है वो हाइलाइट्स बार के लिए यूज़ होती है, यानी कि अगर आप बार को हाईलाइट करना हो कुछ चीज़ को, तो उसके लिए आप F6 का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसी तरह से जो F7 की है कीबोर्ड की, वो स्पेलिंग चेक ग्रामर का स्पेलिंग है, या ऐसी किसी भी स्पेलिंग आप जब लिखते हो नोट पैड में या किसी और ऐप में, तो फ्रेंड्स आप इसे स्पेलिंग चेक कर सकते हो ग्रामर भी F7 से। फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे F8 है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो बूट मेन्यू है इससे आ जाता है। फ्रेंड्स, जो अगर आपको शट डाउन करने के लिए कोई मेन्यू आगे उसको क्लिक करना, उसको बंद करने के लिए जो वो मेन्यू आता है, वो मेन्यू फ्रेंड्स F8 से आ जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से आगे F9। फ्रेंड्स, F9 जो है वो रिमूव सिलेक्टेड आइटम्स के लिए होता है, यानी कि सिलेक्टेड आइटम को रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स ये यूज़ होती है F9 जो फंक्शन की है कीबोर्ड की। फ्रेंड्स, इस तरह से F10 है। फ्रेंड्स, ये यूज़ होती है एक्टिव मेन्यू बार, जो MS ऑफिस वगैरह में मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए फ्रेंड्स होती है ये। फ्रेंड्स, इसी तरह से F11 है। फ्रेंड्स, F11 जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड की जो की है F11, फ्रेंड्स ये यूज़ होती है फुल स्क्रीन के लिए। फ्रेंड्स, फुल स्क्रीन फ्रेंड लास्ट है सेव, F12 सेव के लिए यूज़ होती है। थैंक यू।